हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो के अंदर जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिनमें जूम इन जूम आउट होता है, तो आप भी इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना काइनमास्टर ओपन कर लेता हूँ। काइनमास्टर ओपन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको एक्सेप्ट रेशियो चूज कर लेना है, 16:9 ये मैंने चूज कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो में आपको जूम इन जूम आउट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उस वीडियो को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने उस वीडियो को ले लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप भी अपना वीडियो ले लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो दोस्तों मैं इसकी जो वॉल्यूम है दोस्तों, मैं उसको कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम को कम कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों, मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ। तो मैं ये दोस्तों वीडियो यहाँ पर चल रही है। अब दोस्तों, जैसे ही आपको लगे कि मुझे यहाँ पर जूम इन जूम आउट करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे मुझे यहाँ पर दोस्तों मुझे जूम इन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ये कैंची आ रही है दोस्तों, कैंची के राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको आपको जूम कर देना है। इसको मैंने जूम कर दिया दोस्तों। जूम करने के बाद में दोस्तों, इसको हम राइट पे क्लिक करेंगे ऊपर। अब दोस्तों, मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो जूम हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसा ही आपको पूरी वीडियो में दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मुझे बीच बीच से इसको जूम इन जूम आउट करना है, तो दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ से जूम करना है, तो जूम करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों, मैंने वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो पर क्लिक करने के बाद में आपको कैंची के निशान पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्प्लिट एट प्लेड इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से ये कट जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपको कहाँ तक जूम करना है, तो वहाँ तक आप चले जाइए और यहाँ से आपको कट कर देना है इसको भी। यहाँ पर कैंची पे जाऊँगा और यहाँ पर इसको मैं स्प्लिट एज एट प्लेड इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा हिस्सा कट गया है दोस्तों दोनों तरफ से। अब हमें क्या करना है, इसको जूम करना है। तो वही हम मेथड अपनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको कैंची के राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद में राइट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसको चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको चलाकर देखा है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जूम हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी अच्छे से ये जूम नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसी ऑप्शन पर वापस जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों को लिंक कर देंगे दोस्तों। तो स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, इसको हम लिंक कर देंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक इक्वल का साइन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये दोनों लिंक हो जाएंगे। उसके बाद में आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद में अब मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये जूम हो गया है और ये जूम आउट अपने आप हो जाएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, जूम इन जूम आउट हो गया है यहाँ पर। ये देख लीजिए, मैं दोबारा आपको चला कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जूम इन हो गया है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये जूम आउट हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर हमने कट किया था वहाँ पे ये जूम आउट ऑटोमेटिकली हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने वीडियो में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों, ये करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप इसे 1080p में कर सकते हैं, 720 में कर सकते हैं, और यहाँ पर आप फ्रेम रेट 15 रहने देना। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने वीडियो के अंदर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और अपने वीडियो को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे हमें कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।